दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वनली रेगुलर स्टडी में। दोस्तों आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, अभी तक के सभी एग्जामों में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या एक है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अशोधरा, ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी महामाया या ऑप्शन डी त्रिशला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए जैनों का, ऑप्शन नंबर बी सिखों का, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध का या ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंडल ग्राम, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर या ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी गोपाल, ऑप्शन नंबर सी देवपाल या ऑप्शन नंबर डी महीपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, किसके द्वारा तीसरे बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु या ऑप्शन नंबर डी महाकश्यप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, बौद्ध ग्रंथ पिटको निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पाली या ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए कमल, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हाथी या ऑप्शन नंबर डी बैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म या डी ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, बी वैशाली, सी नालंदा या डी गांधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार या डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी बोधगया में या ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए अशोधरा, बी प्रजापति गौतमी, सी महामाया या डी बिंबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू का, बी बौद्ध का
सी जैन का या डी ईसाई का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध का। नेक्स्ट 14, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में, बी बौद्धगया में, सी लुम्बिनी में या डी सारनाथ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्धगया में। नेक्स्ट 15, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए धर्मचक्र प्रवर्तन, बी महापरिनिर्वाण, सी महाभिनिष्कर्मण या डी महामत्स्काभिषेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म ने निम्न में से समाज के किस वर्ग पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? ऑप्शन नंबर ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी महिला और शूद्र या डी योद्धा और व्यवसाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महिला और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु में, बी गया में, सी सारनाथ में या डी वैशाली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी में या डी कपिलवस्तु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल के लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुंडल वन में, बी राजगृह में, सी बौद्धगया में या डी वैशाली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 561 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 542 ईसा पूर्व या डी 663 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, बी अशोक, सी कालाशोक या डी वसुमित्र। तो इसका सही आंसर होगा ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र ने, बी अजातशत्रु ने, सी अशोक ने या डी नागार्जुन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कालाशोक या डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर ए गया में, बी सारनाथ में, सी श्रावस्ती में या डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती। नेक्स्ट और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन 25, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कालाशोक या डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। तो हमने प्राचीन भारत के इतिहास का
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म को कवर कर लिया है, जिसके सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।